यूपी में अपराध रोकने के लिए योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर की रणनीति अपनाई थी, लेकिन कानपुर एनकाउंटर के बाद अब योगी सरकार की इसी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। सियासी दलों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तो ठोक देंगे रणनीति के बहाने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर एनकाउंटर मामले पर ट्वीट कर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति पूरी तरह राजनीतिक विफलता थी। इस विनाशकारी नीति के लिए यूपी के सीएम जिम्मेदार हैं। आप नियम कानून को बंदूक से दबा नहीं सकते, हमें इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। कानपुर मामले को सीएम योगी के लिए चुनौती बताते हुए ओवैसी ने कहा, ये मामला सीएम योगी के लिए व्यक्तिगत चुनौती है, जिसकी ठोक देंगे नीति अपराध को कम करने में विफल रही है। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई और सजा से न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। बता दें, कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में पुलिस की टीम 2 जुलाई को हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को दबोचने के लिए दबिश देने गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को ही घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए योगी सरकार ने DGP से पूरी घटना की रिपोर्ट मांग ली है और कहा है कि पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। योगी सरकार के तेवर की झलक शनिवार को भी दिखाई दी, जब प्रशासन ने विकास दुबे के उस किले नुमा घर पर JCB चलाकर उसे तहस नहस कर दिया, जहां पुलिसकर्मियों का एनकाउंटर किया गया था।